हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन जो पेट के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? कृषि लागत और उन्मूलन आयोग, आर्थिक असूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। निवेश गुणक का प्रभाव किस पर दर्शाता है? आय पर। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामी नाथन का, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नाबार्ड का संबंध किसके विकास से के साथ है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों का विकास, यानी कृषि और गांव के विकास से इसका सीधा संबंध है। RRB का स्वामित्व किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक। अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो तीनों करेक्ट हैं, और एक में ही तीनों आते हैं और आता है कोई नहीं तो आप, या सभी आते हैं तो आप वही लगाएंगे। कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजन करता है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 2006 में। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? न्यासिक के सिद्धांत का उपयोग किया था। अवैध और गैरकानूनी मुद्रा संग्रह को नियंत्रित करने हेतु विशेष SACHRT किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी यह संस्था। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है रेलवे। भारत में सबसे बड़ा जो सार्वजनिक संगठन है वो है रेलवे। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क पर जो उत्पादन पर जो टैक्स लगता है उससे सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हो गई थी 7वें दशक के दौरान। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदक्षता सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना हुई थी 1950 में। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? सेवा कर। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? उपभोक्ता को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो और ग्राहकों को शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जा सके। ये तीनों कारण ही इसके ठीक है। एक और योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान। कौन सा सरकारी निजी सहयोग का एक उदाहरण है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है NNPFC।
हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा है? मैक्सिकन गेहूं। देखिए इसमें गेहूं भी आएगा आपको, लेकिन आपको क्या है आंसर सही है इसका, मैक्सिकन गेहूं। उत्पादन शुल्क का, उत्पादन लागत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है। जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर, अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर प्राप्त किया जाता है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट में। विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? 22%। नई सुधारी गई उषर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है लोबिया। लोबिया सबसे महत्वपूर्ण हरी खाद है। वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंकों का विलय हुआ? 5 बैंकों का विलय हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत में रासायनिक उर्वरकों को दो बड़े उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो रासायनिक खादों की खपत है वो सबसे अधिक है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। किस देश के साथ भारत सबसे कम निर्यात करता है? आयरलैंड के साथ। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक दाल का उत्पादन करता है। मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक हैं, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यही विश्व में क्रांति लेकर आए थे। पी सेनगुप्ता जी सदायुक्त 1968 में भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा था? 60 लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा था। भारत को 60 जोनों में, कृषि जोनों में बांटा गया था। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन है जेबी से का। मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? कीमत तथा मांग की मात्रा। ये देखा जाता है कीमत कितनी है, इसकी मांग कितनी है, उस पर निर्भर करता है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। एमएस स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन ने कहा था अगर कोई भी वस्तु हमें प्रॉफिट देती है तो हमें उसके नुकसान का भी ध्यान रखना चाहिए, उससे कुछ लॉस भी होगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बचत बैंक खाते में जमा किए गए धन पर ब्याज दर की गणना वर्तमान में किस आधार पर की जाएगी? दैनिक आधार पर। दैनिक आधार पर ब्याज मिलेगा, लेकिन गणना होगी जो दैनिक आधार पर उसकी गणना होगी, लेकिन जो जुड़ेगा वो मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना के आधार पर। आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे के मेहता ICAR नई दिल्ली द्वारा राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया? 2005 में। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की गई? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित यानी मुद्रा से संबंधित जो भी नीति बनाएगा वो बनाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, जो सार्वजनिक मामलों का अनुभव वह रखता हो।
हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च वैरायटी प्रोग्राम से, यानी हरित क्रांति में जो भी सीड्स जो भी बीज उत्पन्न होंगे जो भी यूज होंगे वो उत्तम वैरायटी के होंगे, जिस बाजार में ऋण के रूप में धन प्राप्त हो किया जाता है उसे कहते हैं मुद्रा बाजार। उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है मुद्रा बाजार। मुद्रा स्फीति आय तथा धन को धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? धनवान के। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय, यानी भारत सरकार प्राधिकृत है, भारत सरकार के अंतर्गत ही वित्त मंत्रालय आता है। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में, सॉरी 1957 में। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? रिवर्स रेपो दर। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन सा भारतीय कृषि में को निम्न उत्पादन का कारण है? भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन का कारण है भारतीय जो जनसंख्या का दबाव, परछत्र, बेरोजगारी और भू जोतों का छोटा आकार, क्योंकि जोतों का जो आकार है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। सकल मौद्रिक संसाधन क्या है? M3। सकल मौद्रिक संसाधन क्या है? M3। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति। भारतीय बैंकों को कहां अधिकतम शाखाएं हैं? UK में। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। देश का पहला कृषि विद्यालय JBPAU पंतनगर। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान कहलाता है? मूल्य। जो उसका मूल्य है वही उसका मान है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है बेरोजगारी में। महात्मा गांधी ने खालिस्तान अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, वे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी वो पहले अन्न यानी जो मैन है सीड्स गेहूं उसके उत्पादन में ही लाई गई थी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। सकल घरेलू ऋण प्रसन्नता की अवधारणा किसकी है? भूटान की। संतुलित आहार को निर्मित एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध लेने की संतुष्टि की गई है? 226 ग्राम दूध प्रतिदिन एक व्यक्ति को चाहिए। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक। वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? विश्व व्यापार संगठन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1977 में। ब्याज दर निर्धारित की जाती है तरलता अभिमान द्वारा। वस्तु विनिमय सत्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तुओं का विनिमय वस्तुएं के साथ किया जाता है। कौन सी मौद्रिक नीति के
साधनों के सत्य हैं। मुक्त व्यापार संचालन बैंकों दर नीति और चयनित के साथ नियंत्रण। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एम एस रंधावा ने। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक सबसे अंतिम उपाय का ऋणदाता है। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर का है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। भारत में ऑपरेशनल फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। WTO मुख्यतः निम्न में से किसको बढ़ावा देता है? बहुपक्षीय व्यापार को। निम्न राज्यों में खालिस्तान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? सिक्किम में सबसे अधिक कृषि प्रतिशत कम है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? YV रेड्डी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। देश में कृषि एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नर्सिंग समिति। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि भारत ने से धन अर्जित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसी मुद्रा या करेंसी में अधिकतम अधिक कीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना उच्च स्तर पर। हाल के वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार के वह सबसे बड़ी एकल मद रही है ब्याज का भुगतान। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले व्यापार की संक्रिया में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति के। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पीसी महल नोविस ने। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिर काल है जनवरी से जून तक रहता है। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया है? नेफेड को। मुक्त व्यापार व्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? उपभोक्ता संप्रभुता। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहते हैं बेसिक रिजर्व्स। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।